वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी आप उल्लू पर वीडियो बनाइए। उल्लू घर में शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, लक्ष्मी जी के वाहन हैं भी या नहीं भी हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक वीडियो डिटेल में बना देती हूँ। मैंने उनसे बोला भी था कि मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना दूँगी, तो चलिए अभी मुझे लगा बना देती हूँ। तो उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी है, ये बात सही है, गलत नहीं है। घर में उल्लू अशुभ होता है या शुभ होता है? अशुभ तो कुछ भी नहीं है, अशुभ केवल हमारी मानसिकता है। जैसे आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे, अगर सुनेंगे नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। मानसिकता क्यों, जो मैंने इस शब्द का प्रयोग किया उसके पीछे का कारण यह है कि चूहा अगर पत्थर का है तो हम उसे गणपति के रूप में पूजते हैं, और अगर कहीं वो असली में जीवित दिख गया तो उसको मारे बिना और घर से भगाए बिना चैन ले ही नहीं सकते। उसी प्रकार से सांप, भले वो अपने रास्ते जा रहा है, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं, मैं उसने मेरी ज़मीन नहीं खा रखी, मैंने उसकी ज़मीन नहीं खा रखी, इंसान के सामने पड़ भर जाए, ठीक है, तो जब तक वो उसे उस स्थान से भगा नहीं देगा तब तक वो सांस में सांस डाल के बैठेगा नहीं। घर के अंदर अगर उसे नज़र आ गया ना तो तब तक तांडव करता ही रहेगा जब तक उसे वो मार नहीं लेगा। और वही सांप अगर पत्थर का दिख जाएगा तो नाग देवता बना के भगवान शिव के गले में पड़ा रहता है, ये कह के हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये तो है मानव जाति की मानसिकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन जाने दीजिए कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, तो खैर छोड़ते हैं। तो ये होगा इस तरीके की बात, ठीक है। जैसे कि सांड सामने से हम देख लेंगे तो कहेंगे अरे बापरे बापरे, भागो भागो भागो, मार डालेगा मार डालेगा, अरे अरे जाओ जाओ जो लाल कपड़ा पहनो ना तो सांड मार देता है। मैं बचपन में ऐसा सुना करती थी, और कितना सच है मुझे भाई नहीं पता, मैं तो आज तक कभी ऐसा मेरे साथ कोई केस हुआ नहीं। अरे अरे ये हो वो, अरे फला और टीका, और वही जब मंदिर में बैठे हम दिख जाएंगे तो हम जाकर उनके कानों में बातें कहेंगे कि भैया इनके कानों में बात कह दो ना, सीधा शंकर जी तक पहुँचा देते हैं। तो ये है मानव जाति की मानसिकता। अब हम आते हैं उल्लू के ऊपर। उल्लू घर में रखना बिल्कुल अशुभ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा गलत है, ये कहना ही गलत है कि उल्लू अशुभ होता, बिल्कुल नहीं होता। आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो आप उनकी भी पूजा करिए। इनफैक्ट जिस घर में उल्लू की पूजा होती है या उनके स्वरूप की पूजा होती है, उनके चित्र की पूजा होती है, माता लक्ष्मी अपने आप आकर्षित होकर वहाँ निवास करती हैं, तो आप उनका सम्मान करें। आप मूर्ति ले सकते हैं, एक छोटी सी मंदिर में फ़ोटो लगा सकते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सौम्य फ़ोटो, एक होती है विकराल फ़ोटो। तो आप सौम्य फ़ोटो ले लें जिसमें सौम्यता की दर्शाया गया हो, उस टाइप की फ़ोटो ले लें, विग्रह ले लें, घर में रखें। जैसे कि समय समय पर हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी भी पूजा कराएं और बिठाएं, और भोग प्रसाद जैसे हम सबको लगाते हैं उनको भी लगाते रहें। इनफैक्ट उल्लू की आवाज़ बेहद शुभ होती है, अशुभ नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते थे उल्लू की आवाज़ ना अशुभ होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अशुभ नहीं होती। मैं कह रही हूँ ना, उल्लू जो है वो माता लक्ष्मी के वाहन हैं और बेहद शुभ होते हैं, बल्कि दिवाली पर इनका विशेष पूजन होता है जो मैं करती हूँ। मैंने आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि इसी तरीके के मत आते रहते हैं, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है, व्यक्ति क्या कर रहा है ये व्यक्ति को पता होना चाहिए, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। तो उल्लू अशुभ नहीं होते, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, सौम्यता वाला चित्र भी रख सकते हैं। अब आप ऐसी फ़ोटो रख लें जिसमें दो उल्लू लड़ रहे हो तो वो तो ना वास्तु के हिसाब से गड़बड़ कर जाएगा, लेकिन आप सौम्य वाले रखें, दो बिट्टू उल्लू आपस में बैठ के बातें कर रहे हो तो ये तो अच्छा होता है। तो आप उनको घर में रख सकते हैं, घर में उनकी सेवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास उल्लू, हाँ जी हमारे पास बिल्कुल है, हमारी माता लक्ष्मी जो पुरानी वाली लक्ष्मी जी थी ना उनके साथ आए हुए थे। और देखिए ये हैं छोटे से, देखिए बैठी हुई मुद्रा में हैं, और ये जो इनके नेत्र हैं ना, जब ये घर में आए थे तो इनके पीतल के हैं, जब ये घर में आए थे ना तो इनके नेत्र थे नहीं, मैंने इनके नेत्र ना घर में बनाए थे। तो हस्बैंड कह रहे हैं यार ये तो तुमने ना ऐसे बना दिया, ऐसा लगता है देख रहे हैं। तो देखिए वाकई ऐसा लगता है जैसे कि देख रहे हैं। और मैंने हमेशा माला पहना के और इनको कुमकुम, देखिए यहाँ पे चंदन भी लगा होगा, ये सब लगा के इनका विधिविधान से पूजन करती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये ना बैठे किस पर हैं, एक लकड़ी टाइप की बनी हुई है उसी पर ये बैठे हुए हैं। तो आप इन्हें घर में रख सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं,
और बकाए की शुभ और अशुभ हमारे मानसिक विचार हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया। और इससे और मैं क्या कहूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर दे दूँगी ना तो आप लोगों को हंसी आ जाएगी कि दीदी कैसी बात करती हैं। तो जो सच है भाई वो सच है, क्या कह सकते हैं, व्यक्ति की मानसिकता है। बिल्ली, अरे वो तो खुद ही जानवर है, वो आपका रास्ता क्या काटेगी, उसके रास्ता काटने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो खुद ही नहीं पता बेचारी जा रही कहाँ रही है। तो उसके हो जाएगा कह रही भाई वो तो रास्ता काट गई, अब हम नहीं जाएंगे, अब तो नहीं जा सकते। अब अगर उस तरफ 500 का नोट पड़ा हो और बिल्ली यहाँ से रास्ता काट जाए तो हम उसे उठाने ज़रूर जाएंगे, फिर हम भूल जाएंगे कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, हम वो 500 नहीं उठा सकते, उसको उठाने से हो सकता है हमारी पिटाई भी हो जाए, हो सकता है हम पे कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दे, तो ये सब चीज़ें हम भूल जाएंगे लेकिन उसे उठाने ज़रूर जाएंगे, तब हम बिल्ली को दोष नहीं देते। तो इस टाइप की हिंदुस्तान की मानसिकता है, क्या कर सकते हैं, क्या ही कह सकते हैं, हर चीज़ के अपना एक गलत पैमाना ना बना रखा है। जो बिल्ली वाली बात बताई मैंने वो क्या है मैं आपको बताऊँ, सच ये है कि जब आप सुबह सुबह सर्वप्रथम सोकर उठते हैं उस समय आप कहीं जा रहे हैं तो एकदम काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काट जाए, इसका मतलब ये है कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर और ईश्वर के द्वारा ये मैसेज है कि अब ये आप दिन भर अपना जो कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा सोच के करें, समझ के करें, संभल के कहीं यात्रा जाएं, नहीं तो मत जाएं। अब ये नहीं कि हम सो के उठ गए हैं, खा लिया है, पी लिया, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से बिल्ली आ गई, तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम नहीं जाएंगे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें व्यक्ति की मानसिकता पर बहुत कुछ डिपेंड करता है भाई। कि मैंने आप एक वीडियो और कहा था कि आप दिमागी रूप से कितने स्वस्थ हैं, कितने बीमार हैं, यह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी, जिनको लगा होगा मैंने ऐसा बोला, तो भाई देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात, मैं यूट्यूब पर जितने लोग मुझे जानते हैं सब लोग मुझे आवाज़ से मुझे पहचान लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि झूठ बोलना मुझे वैसे ही पसंद नहीं, मैं फालतू की अफवाह नहीं फैलाती, फालतू का झूठ नहीं बोलती और लाओ लपेट की बात तो मैं बिल्कुल नहीं करती, लोलो चोपो की बात करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।